Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that classify the following into elements, compounds and mixtures. Sodium, soil, sugar solution, silver, calcium carbonate, tin, silicon, methane, carbon dioxide, blood, coal, soap, air. तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में. तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं. तो एलिमेंट्स आर केमिकली द सिंपलेस्ट सब्सटेंस and hence cannot be broken down using chemical reactions. Okay, so elements क्या होते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जिनको फर्दर किसी सिंपलेस्ट सब्सटेंस में हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो वही होते हैं एलिमेंट्स. तो अगर हम इसमें से देखें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे. सोडियम एक एलिमेंट है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी सिंपलर सब्सटेंस में. सॉइल नहीं है, शुगर सोल्यूशन नहीं है, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, टिन और सिलिकन है, फिर मिथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ब्लड नहीं, कोल नहीं, सोप नहीं, एयर. ओके, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स. और उसके बाद अगर हम देखें तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस that are made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. तो कंपाउंड क्या हो गए कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन किए जाते हैं उनके मास के अकॉर्डिंग फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उन्हें कहेंगे हम कंपाउंड. ओके, तो इधर से अगर हम देखें कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो सॉइल तो नहीं होगा, शुगर सोल्यूशन भी नहीं होगा, सिल्वर एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट देन टिन नहीं है, सिलिकन नहीं है, मिथेन होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन मिलके फिक्स प्रोपोर्शन में बनाते हैं मिथेन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हो गए हमारे कंपाउंड. अब मिक्सचर हम देखते हैं, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, are made up of two or more elements, compounds या फिर कोई भी सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंसेस नॉट कंबाइंड केमिकली. ओके, तो मिक्सचर में कोई केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, बस दो सब्सटेंस को मिला दिया जा रहा है. तो अगर हम इसमें से देखें मिक्सचर, तो सॉइल हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन हो जाएगा, ब्लड, कोल, सोप, एयर, ये सब क्या हो जाएंगे, मिक्सचर्स हो जाएंगे. ओके, तो क्या क्या हो गए हमारे पास मिक्सचर्स, सॉइल, शुगर सोल्यूशन, कोल, एयर, सोप एंड
ब्लड। ओके, तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन। तो अगर हम फाइनल देखें, हेंस 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 क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस ऑफ द गिवन मटेरियल या सब्सटेंसेस मटेरियल इन इनटू एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड एंड मिक्सचर इज एज फॉलोज। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स में क्या हो जाएंगे, एलिमेंट एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स में पहला हो जाएगा सोडियम सोडियम सिल्वर सिल्वर टिन एंड सिलिकॉन। फिर कंपाउंड्स में कंपाउंड्स में हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गए हमारे कंपाउंड। देन मिक्सचर्स में क्या क्या हो जाएगा, मिक्सचर मिक्सचर तो सॉइल शुगर सॉल्यूशन कोल एयर सोप एंड ब्लड। तो ये हो गया हमारा फाइनल क्लासिफिकेशन। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द आंसर। थैंक यू।